Good morning student, welcome in OZI video classes. Today we are going to discuss chapter number 9, last topic, realloc. Realloc means re मतलब दोबारा और alloc मतलब मेमोरी को जनरेट करना, यानी कि इसका सीधा मतलब ये होगा कि कोई पहले से जनरेट की हुई मेमोरी को दोबारा से जनरेट करना। कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए कि हमने मैलॉक फंक्शन के माध्यम से या कैलॉक फंक्शन के माध्यम से मेमोरी को जनरेट किया और हमें ऐसा लगता है कि हमने मेमोरी को ज़्यादा ले लिया है जो कि हमारे लिए नहीं लेनी चाहिए थी, जिससे कि हमारा जो बची हुई मेमोरी है जो हमारे प्रोग्राम का और अन्य कोड है वो इसको इस्तेमाल कर लें, या ऐसा हमें फील हो रहा है कि जैसे हमने मेमोरी को कम लिया है और हमें डेटा ज़्यादा स्टोर करना है, तो जिस वजह से मेमोरी जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा डेटा स्टोर करेंगे तो कम पड़ सकती है। तो ऐसे जब थॉट माइंड में यूजर के आते हैं तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ऑप्शन प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत एक ऑप्शन आता है रीअलॉक, यानी कि जो भी हमने मेमोरी बनाई है उस मेमोरी को हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि सिस्टम हमारा स्मूथ और फास्ट चलता रहता है। दूसरी चीज़, अगर हमारा प्रोग्राम लंबा है तो उसमें अन्य जो कोड के ब्लॉक होंगे वो ब्लॉक जो होते हैं उनको मेमोरी मिल जाती है, जिससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई भी समस्या नहीं आती है। तो इस रीअलॉक के फंक्शन को हम समझेंगे एक फंक्शन यानी प्रोग्राम कोड के माध्यम से, जो कि मैंने पीछे आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल लगाई है। मैंने stdlib हेडर फाइल इसलिए लगाई है क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नाम की हेडर फाइल है जिसमें आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से संबंधित फंक्शन इसमें रिजाइड रहते हैं, मतलब रहते हैं बने हुए। और इसके बाद मैंने मेन फंक्शन को शुरू करते हुए int n इक्वल 5, यानी कि मुझे 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं इसलिए मैंने n की वैल्यू 5 असाइन कर दी है। उसके बाद में एक ptr का वेरिएबल लिया है, यानी कि पॉइंट टाइप का एक वेरिएबल लिया है जो कि हमारे फंक्शन में जो डायनेमिक मेमोरी जनरेट हो रही है उस मेमोरी ब्लॉक का वो फर्स्ट ब्लॉक एड्रेस अपने पास रखेगा इसलिए। और उसके बाद मैंने एक i वेरिएबल लिया है जिसका काम है आगे चल के जब हम लूपिंग करेंगे, यानी कि हम अपने डायनेमिक मेमोरी पे जब डेटा डाल रहे होंगे तो उस समय हम क्या करेंगे कि लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल जरूरत पड़ेगा, उसके लिए हमने i को ले रखा है। उसी क्रम में आगे देखें तो हमने लिखा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने तो एलिमेंट बाय डिफॉल्ट एलिमेंट इनपुट करने के लिए डेटा पहले से ही दे दिया कि 5, तो यहाँ पर क्या होगा 5 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा यूजर की कंसोल स्क्रीन पे। इससे यूजर को हेल्प मिलेगी कि 5 एलिमेंट हमें इनपुट करने हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है ये देखें आप, मैलॉक फंक्शन के थ्रू डायनेमिक मेमोरी को बनाया गया है। इसमें क्या है, 5 इंटीजर नंबर हम स्टोर करेंगे और एक इंटीजर नंबर हमारा 2 बाइट लेता है। ये चीज ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, एक इंटीजर नंबर 2 बाइट लेगा, तो 2 बाइट ये साइज ऑफ ऑपरेटर बता रहा है और एलिमेंट हम कितने स्टोर कर पाएंगे 5, तो 5 × 10, तो 10 10 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक जो है बन जाएगा जिसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस किसके पास आएगा, पीटीआर के पास आएगा। इसी क्रम में अब हम पीटीआर को चेक कराएंगे, क्या लिखा है, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यदि पीटीआर नल के बराबर नहीं है। देखें क्या लिखा है, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर पीटीआर नल के बराबर नहीं है तो क्या होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए यू कैन एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी आप जितने आपने शुरू में एलिमेंट के लिए डायनेमिक मेमोरी तैयार की थी उतने एलिमेंट आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में लूप चलाया है 0 से, तो 0, उसके बाद में i लेस देन n क्योंकि हमने 0 से लूप चलाया है,
तो लेस देन एन यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, और उसी अगले क्रम में थर्ड स्टेटमेंट में फॉर लूप के हमने आई प्लस प्लस किया हुआ है। इस कहना के थ्रू हमने क्या किया है कि जो पहला बाइट एड्रेस था उस पे हमने डेटा डाला है। यहाँ पर फिर से आपको याद दिला दें, यहाँ पर एन परसेंट यानी कि जिसको रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं उसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉइंटर वेरिएबल हो उसके पास ऑलरेडी मेमोरी का रेफरेंस या एड्रेस होता है। आगे देखें, इसी क्रम में हमने क्या किया, प्रिंटफ में बैक स्लैश टी लगाया जिससे कि एलिमेंट आपके कंसोल स्क्रीन पर दूर दूर प्रिंट हो, उनमें डिस्टेंस गैप बना रहे। उसके बाद में डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यानी कि जिसको आप पॉइंटर ऑपरेटर भी बोलते हैं, मैंने डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के माध्यम से पॉइंटर वेरिएबल को मैंने रखा है प्रिंट करने के लिए। और स्टूडेंट यहीं पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, मैंने लास्ट वीडियो दिया था मैलॉक फंक्शन का, तो उसमें प्रिंटफ नाम का जो स्टेटमेंट है उसमें डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जो है बाई मिस्टेक नहीं लगा हुआ है, तो जब भी आप वो कोड रन कराएं तो उसमें डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा लेना, ये वाला ऑपरेटर, जिससे कि आपका प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो डेटा जो आप इनपुट कर रहे हैं वो आपको मिले और एड्रेस ना मिले, नहीं तो आपको उसमें एड्रेस मिलेगा। तो आगे इसी क्रम में देखेंगे, हमने यहाँ पर पॉइंटर को प्लस प्लस कराया है क्योंकि जब इंटीजर के पहले 2 byte पे एक डेटा पड़ जाएगा, एक नंबर फिट हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा उसी रेशियो में मेमोरी ब्लॉक जो है यानी कि एड्रेस की इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 byte छोड़ के। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था, जैसे ये पूरा ब्लॉक बन गया जो कि हमारा 10 byte का है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई भी डेटा डाल दिया, कोई भी डेटा हमने डाल दिया, तो इसके लिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाला है 12, तो 12 तो स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद में अब क्या होगा कि मैं आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें ब्लॉकिंग तो नहीं होती है, मतलब ब्लॉक मेमोरी के नहीं बने होते हैं मैलॉक में, लेकिन मैं आपकी सरलता के लिए आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये 2 byte हो गया, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये 2 byte हो गया, तो अगर मैंने इसका मेमोरी एड्रेस मान लीजिए लिया है 10, ठीक है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 12, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये एड्रेस मैंने माना है, और इसका यहाँ पे 14 हो जाएगा, इसका यहाँ पर 16 हो जाएगा, और इसका जो बचा हुआ है इसका 18 हो जाएगा। इस तरीके से मेमोरी एड्रेस हो जाएंगे। तो अब इंक्रीमेंट होगा तो अगले वाले ब्लॉक पे यानी कि इस वाले एड्रेस ब्लॉक पे, इस पे हमारा अगला डेटा होगा, कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं 11 है तो 11 डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा मेमोरी एड्रेस इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। इंक्रीमेंट होते हुए अब क्या होगा कि इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट जितने हमें इनपुट कराने हैं वो सारे एलिमेंट जो है हमारे इनपुट हो जाएंगे। आगे देखें, इसी क्रम में अब क्या होगा, अगर जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम में चेक कराया था कि PTR इज नॉट इक्वल टू, अगर PTR नल नहीं है तब तो हमारा डेटा इनपुट होने लगे मेमोरी में, अदरवाइज क्या है ये मैसेज हमें प्राप्त हो जाए कि मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड, यानी कि जो भी आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया था मैलॉक फंक्शन के जो मेमोरी जनरेट की थी वो मेमोरी जनरेट नहीं हुई है। अगले क्रम में रीअलोक फंक्शन को समझाया गया है। यहाँ पर देखें, मैंने n को नया नंबर ऑफ एलिमेंट साइज दिया हुआ है कि आपको अपने जो आपको मेमोरी आपको 10 एलिमेंट के लिए आर्गुमेंट करना है, अपने कंप्यूटर को बताना है कंपाइलर को कि आपको 10 आर्गुमेंट जो है डेटा एलिमेंट जो है आपको लेने हैं। यहाँ पे फिर से यूजर को एक मैसेज दिया गया है एंटर द न्यू साइज, यहाँ पर यूजर को मिल जाएगा कि उसको अब 10 एलिमेंट के लिए डायनेमिक मेमोरी बनानी है या डायनेमिक एरे तैयार करना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अब क्या किया, रीअलोक फंक्शन के थ्रू नई मेमोरी बनाई है, ये देखें
और सबसे पहले क्या करता है ptr, क्या मतलब realloc फंक्शन क्या करता है, इसमें एक ओल्ड ptr वेरिएबल रहता है। ptr का मतलब होता है पॉइंटर टाइप का वेरिएबल रहता है, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये वेरिएबल आ गया पुराना जो मैंने लिया था वो, उसके बाद में n में उतना ही साइज जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम की तरह देखें तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पे मैंने 10 एलिमेंट लिए हैं तो 20 बाइट जनरेट हो जाएगा। तो 20 बाइट जनरेट होगा और फर्स्ट बाइट का एड्रेस जो होगा वो इस ptr के पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में मेमोरी सक्सेसफुल जनरेटेड या एलोकेटेड ये आपको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद में एंटर न्यू एलिमेंट्स इन एरे, यानी कि जो डायनेमिक मेमोरी आपने बनाई है उस डायनेमिक मेमोरी में आप नए एलिमेंट आप डालें। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा लूप चला हुआ है, आई को 0 असाइन किया हुआ है, आई लेस देन एन है और आई प्लस प्लस भी है, सेम ऊपर वाला ही लूप है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर आप एलिमेंट इनपुट करा रहे थे आप कितने 5 और यहाँ पर आप करा रहे हैं पूरे 10, बस इतना अंतर होगा। तो इस तरीके से ये 10 बार आपका लूप चलेगा, आपसे हर बार में वैल्यू मांगेगा, वैल्यू आपकी प्रिंट होती चली जाएगी और उसी रेशियो में इंटीजर 2 बाइट लेता है तो 2 बाइट का इंक्रीमेंट करते हुए आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, फिर आप नया डेटा इनपुट कराएंगे। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यू लूप जो है टोटल 10 एलिमेंट इनपुट कराने के लिए, यूजर से लेने के लिए चलेगा। तो ये जो है पूरा आपको मैंने प्रोग्राम अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है कि मैलॉक फंक्शन के द्वारा या कैलॉक फंक्शन के द्वारा मेमोरी जनरेट करके दोबारा से रीजनरेट यानी कि री एलोकेट कैसे करते हैं, अगर इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।